ਦਿਹਾੜਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅੱਖ ਚੱਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਮਤਾੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਮਤਾੜਾ ਪਾਰਟ 2 ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੇਵਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। समाज हमारा जो है वो देवघर पढ़ा लिखा जो जगह है ही, यहाँ से पढ़े लिखे लोग मिल, लेकिन नौकरी समय पर नहीं मिल पाती है, टेक्निकल है। और नया माहौल क्रिएट हो गया है कि जब पैसा नहीं रहता है, कोई दूसरे लोगों के पास पैसा रहता है, तो क्विक मनी जो होता है, अचानक से पैसा कैसे कमाएं, तो ये लोग गलत दिशा में भटकाव पाते हैं। यहाँ पे पहचान हमारी सावन मेला को लेकर के थी, एक पर्यटक नगरी के रूप में थी, लेकिन आजकल अब कहीं भी बाहर में देवघर भी अब इतना बदनाम और साइबर क्राइम के रूप में होने लगा, यह बहुत चिंता की विषय है। देवघर पाव देवतिया दा घर। झारखंड दी सभ्याचारिक राजधानी देवघर दी पछाण भगवान शिव तो है। शिव दा ए शहर बाबा धाम दे नां ते अपनी वखरी पछाण रखदा है, पर हुण ए थां साइबर अपराधियां दी थां बन चुकी है। इस साल इत्थे साइबर अपराध दे 87 मामले दर्ज किए गए ने अते हुण तक कुल 372 साइबर अपराधी सलाखा पिछे जा चुके ने। हैरानी वाली गल है कि फड़े गए नौजवान बहुत घट पढ़े लिखे ने, फिर भी ओ चंगे समझदार लोकां नूं आसानी नाल धोखा दिंदे ने। उनका जो एक्ट है या माल प्रैक्टिसेस है, इट इज लाइक एक्सपर्ट आईटी प्रोफेशनल्स। रीजन ये है कि जो साइबर क्रिमिनल्स पहले से काम कर रहे हैं, कुछ पैसा लेकर के या अपनी संख्या बढ़ाने के लिए टीनेजर्स को उसको ट्रेनिंग देते हैं, और इस ट्रेनिंग के कारण वह खुद भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। ध्यान देने योग है कि इन्हां विचों बहुते दोषी नौजवान ने, उन्हां विचों कई पहला भी धोखाधड़ी दे दोष विच जेल दी हवा खा चुके ने, पर जिवें ही ओ सलाखा तो बाहर निकलदे ने, उन्हां दे कदम दोबारा साइबर अपराध दी दलदल विचों फस जांदे ने। दोषियां विच इंजीनियरिंग विच पढ़ाई कर रहे नौजवान भी शामिल ने। इस तो इलावा बहुत सारे परिवारक मैंबर भी मिल के ठगी करदे ने। जिला पुलिस कप्तान दे मुताबिक महंगे शौक अते ईजीडी मनी दी सोच नौजवानां नूं अपराधियां दा सौखा शिकार बनाउंदी है। साइबर क्रिमिनल बनने का जो रीजन है, और साइबर से जो ठगी में साइबर क्रिमिनल साइबर ठगी कर पाते हैं, उसका एक बड़ा रीजन है इजी मनी। तो साइबर क्रिमिनल्स ये सोचते हैं कि इसमें कोई बिजनेस के लिए आपको पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शॉप खोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल एक दो सिम इत्यादि रखने के बाद आप ठगी का काम कर सकते हैं। दूसरा है, जिनको ठगा जाता है उनको भी नॉर्मली ल्योरिंग किया जाता है, उनको भी लालच दिया जाता है। साइबर अपराधी लोकां नूं अपना शिकार बनाउण लई कई तरह दीआं चालां वरतदे ने। कई बार कस्टमर केयर अफसर बन के अते कदे बैंक अधिकारी बन के ओह तुहानूं एटीएम बंद करन अते केवाईसी अपडेट करन दे नां ते फोन करके ओटीपी प्राप्त करदे ने। साइबर धोखाधड़ी लाटरी अते इनाम दा दिखावा करके भी तुहानूं अपना शिकार बना सकदी है। जामताड़ा नाल लगदा जिला होण कारण देवघर विच भी अपराधी प्रफुल्लत हो रहे ने। इस अपराध नाल जुड़े लोग खेतां, खड्डां, जंगलां अते नदी छप्पड़ां विच बैठ के लोकां दा शिकार कर रहे ने। पुलिस दिन रात छापेमारी करके अजिहे लोकां नूं उहनां दी सही थां भाव जेल भेज रही है। जामताड़ा से साइबर क्राइम अगर हम देवघर की तुलना करें तो यहाँ पे कम नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में खासकर हमारे DGP MB राव साहब के द्वारा पूरा इनिशिएटिव लिया गया है कि साइबर क्राइम को हम लोग को खत्म करना है। बाबा धाम ते चल रहे संकट दे बदल तो इत्थों दे लोक भी जाणू ने, चिंता लाजमी है, पर इस युग विच मोबाइल अते कंप्यूटर तो दूर रहना मुश्किल है। अजिही स्थिति विच चौकसी साइबर अपराध विरुद्ध सब तो वड्डी ढाल है। तो अभिभावक जो बच्चे को फोन दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो या जो भी चीजें हो, उसके लिए उन्हें हमेशा एक निगरानी में रखने की जरूरत है कि बच्चे उस फोन का इस्तेमाल सही चीज के लिए कर रहे हैं या गलत चीजों के लिए, और उनका आकर्षण कहीं ना कहीं एक मनी ओरिएंटेड हो जा रहा है, वो पैसे के एक लालच में आकर ऐसे कामों में खुद लिप्त होते जा रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। हालांकि कंप्यूटर, मोबाइल अते नवी बैंकिंग सहूलता कारण जिंदगी थोड़ी सौखी हो गई है, पर उन्हां दी सही वरतों नूं समझना भी महत्वपूर्ण है।
यह ध्यान रखना लाजमी है कि बच्चे और नौजवान इन सहूलतों की वरतों किवें कर रहे ने। नाल ही बच्चों के वध रहे शौक और गतिविधियां ते थोड़ी जही निगरानी करनी भी जरूरी है। हाँ, सब तो महत्वपूर्ण गल यह है कि साइबर अपराधियों के लालच विच ना फसो। अपने बैंक वेरवे ते अजिहे महत्वपूर्ण दस्तावेजा की जानकारी किसी नाल भी सांझी ना करो जो तुहाडे लई खतरे का सबब बन सकती है। साइबर अपराध के खिलाफ ईटीवी भारत की मुहिम नाल जुड़ो, सावधान रहो, सतर्क रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.